खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ न्यूज़ चैनल शमा न्यूज़ चैनल के MD जनाब अब्दुल बसीर अब्दुल्ला ने अंबरपेट पटेल नगर एक्स रोड पर वाक़े कस्बा 7 न्यूज़ चैनल के ब्रांच ऑफिस पर मुनक़िदा मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप और फेलिसिटेशन प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर तशरीफ़ फरमाकर तकरीब की शान बढ़ा दी। वाज़ह रहे कि अब्दुल बसीर अब्दुल्ला, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और बेहतरीन सोशल वर्कर्स और दीगर को मेडल्स व अवार्ड से नवाजा। कस्बा 7 न्यूज़ चैनल के CEO जनाब काजी हाफिज़ मोहम्मद अली साहब की जानिब से भी शमा न्यूज़ चैनल के MD अब्दुल बसीर अब्दुल्ला को इनकी बेहतरीन खिदमात को सराहाने के लिए इनकी गुलपोशी की गई और इन्हें मेडल व अवार्ड से तहनियत पेश की गई। अब्दुल बसीर अब्दुल्ला का अपना कीमती वक्त निकाल कर तकरीब में शिरकत करने के लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया गया। आइए देखते हैं इस खसूस में वहाँ के चंद मनाजिर कस्बा 7 न्यूज़ चैनल के साथ। मैं सबसे पहले हमारे आज के मौजूद मेहमान जनाब सर साहब, नईम साहब और कस्बा के सर्विस के चेयरमैन जनाब आमिर मोहम्मद अली हाफिज़ साहब का मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके अपनी बड़ी कोशिशों और तालुसों की वजह से आज ये प्रोग्राम मुनद्दिद किया। और उसके बाद अगर मैं चेयरमैन टीम का तमाम से यहाँ पर रखने के बाद अंजाम देने के लिए तो तमाम डॉक्टर्स अपना कितनी मंजिल कर यहाँ पर कितने दिन बाद अंजाम दे रहे हैं उनकी अहली से शुक्रिया अदा करूँगा उनका भी। और जनाब मालिक साहब और रोशन साहब जो अपनी निगरानी में सरपरस्ती में यहाँ पर जो कैंप मुनद्दिद किए हैं उससे गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कैंप मुनद्दिद किया गया। तो इसी ज़िम्मत में तमाम इस्तेफादा हासिल करने वाले अफराद से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप इस कैंप से इस्तेफादा हासिल करें। और फिर अगर मैं यहाँ पर जो आई कैंप लगाया गया तो शख्स अपनी जानब से कोई पे नहीं कर सकते, उनको मुफ्त यहाँ पर इलाज के साथ साथ उनको दवाई और उनको फराहम की जा रही है। तो मैं जर्मन टीम और मेडिकल टीम और आयुर्वेदिक टीम में इनका शुक्रिया अदा करूँगा और जनाब कस्बा 7 न्यूज़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम अगर और भी आप मुनद्दिद करते जाएँ ताकि अपनी आवाम का फ़ायदा हो सके। और तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का मैं उनसे बात दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ना भूलें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।